बेटा इसको ना x को एक साइड कर दो, अलग अलग तो हो रहा है। देखो log by dy इनको तो ऐसे रखा मैंने, ये वाला जो y स्क्वायर है ना इसको इसके साथ आना ना, y के साथ y स्क्वायर से डिवाइड कर दो प्लस, और ये x स्क्वायर है तो cosecant x से इसको डिवाइड कर दो, कोसेकेंट एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, और ये वाला जो डी एक्स है वही लगा दें, और ये इक्वल टू जीरो। ये बताएं एक्स सारे एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया पक्का हो गया, बस इंटीग्रेट कर दो। अब बात करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो इसको बाय पार्ट कर लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पहला फंक्शन लो बाय, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे y स्क्वायर का। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर माइनस टू लिखोगे इसको, a पावर प्लस टू लेंगे, y की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, यानी कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस वन इसका वर्ग अपॉन y स्क्वायर, इसके बाद यहाँ माइनस आएगा और log y का डिफरेंशिएशन वन अपॉन y हो गया, और ये वाला माइनस का वर्ग अपॉन y ऐसे ही आ गया। अब डी वाई डी इसमें भी आप करोगे ना क्या, सभी आप बाय पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दो, पहला फंक्शन सॉल्व है एक्स स्क्वायर को, तो फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और माइनस फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स टू माइनस कॉस एक्स, बस हो गया माइनस का वर्ग अपॉन बाय लॉग बाय ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये वर्ग अपॉन बाय स्क्वायर बन गया। तो वर्ग अपॉन बाय स्क्वायर का कितना बताया था, ये था ना वर्ग अपॉन बाय स्क्वायर, बाय की पावर माइनस टू प्लस वन कर देंगे, बाय की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो माइनस ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये एक्स कॉस एक्स आ गया, तो एक्स कॉस एक्स का जो है दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दो, बस आंसर आ गया। एक्स कॉस एक्स का क्या होगा, एक्स कॉस का साइन एक्स माइनस एक्स का वन इनटू साइन, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, बस ये आंसर आ गया, इजी कट टू जीरो चल रहा है, इजी कट टू सम कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले तो एक्स और वाई जैसे एक्स आ रहा है वाई आ रहा है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा ना आपको, ये वाला एक्स नीचे आ रहा है एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो एक्स को ई की पावर एक्स हो गया। अब जैसे ये है वाई डी वाई आ रहा है, वाई हो गया डी वाई हो गया, तो ये वाला रूट वन माइनस वाई स्क्वायर है, इससे डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ गया रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला जो एक्स है इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डी एक्स हो गया, बस सारे एक्स एक साइड हो गया। या तुम्हें अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो इसको आप इधर ले जाओ ना, इसको इधर ले जा करके और फिर x और y को एक साइड करो, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, इधर से x था ये x यहां आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करो x से, x से मल्टीप्लाई करो x के साथ, फिर हमारा ये y के साथ चाहिए तो इससे डिवाइड करो डिवाइड इसके साथ आता है, और फिर इसको इंटीग्रेट करो। अब बात करती है इसकी, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिंपल है, पहला फंक्शन इसका डेरिवेटिव वो इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव वन
और फिर e की पावर x है dx हो गया प्लस। अब बात आती है इसकी, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो इसमें 1 माइनस y स्क्वायर को t स्क्वायर भी ले सकते हो और t भी ले सकते हो, t लेके भी हो जाएगा t स्क्वायर से भी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर मिल जाएगा हमको, डायरेक्ट भी ले सकते हो आप अगर कर सकते हो। जब इसको हम डेरिवेटिव आएगा तो मेरा आ जाएगा माइनस y dy और t और dt वो भी आएगा टू कर दिया, तो माइनस का t dt हो गया, ऐसे बना y dy की जगह माइनस t dt अपॉन ये कितना बन जाएगा t इसे कर दिया इक्वल टू जीरो। x e की पावर x माइनस e की पावर x हो गए। अब ये माइनस का t आएगा तो t की वैल्यू माइनस या भी t की वैल्यू और इक्वल टू सम कांस्टेंट आंसर आएगा। 20 के बाद 22 था ना 22 एनसीईआरटी का 9.4 का 20 इन ए बैंक principal increases continuously at the rate of r percent per year. Find the value of r if rupees 100 double itself in 10 years. Principal increases continuously at the rate of r percent per year. प्रिंसिपल जो इंक्रीज हो रहा है ना उसका जो रेट है तो उसको क्या कहोगे, प्रिंसिपल के रेट को, प्रिंसिपल के रेट का मतलब डीवी हो गया डीवी हो रहा है, ये तो वह प्रिंसिपल का रेट, तो प्रिंसिपल का जो रेट है डीवी अपॉन डीटी ये कितना है, ये आर परसेंट है, आर परसेंट किसका, आर परसेंट है किसका है, आर परसेंट वो डी होगा ना, तो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज क्यों क्या करोगे, प्रिंसिपल इंक्रीजेस, प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को क्या कहेंगे हम, भाई इंक्रीज का मतलब रेट रेट हो गया उसका, तो रेट को क्या कहोगे, डीपी अपॉन डीपी कहोगे ना, तो जो डीपी अपॉन डीपी हो गया ये प्रिंसिपल का रेट हो गया, तो वो कितना है, आर परसेंट है, तो आर परसेंट तो ले लेंगे, लेकिन r परसेंट किसका होगा, वो p का ही होगा ना, r परसेंट तो p होगा ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये r / 100 हो गया और ये p हो गया, कुछ ऐसे रहा ना, और ये dv / dv होगा, तो तब इसको dv और p को एक साइड में ये कितना आ गया r / 100 dv हो गया, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो ये तो हो जाएगा कितना log p और कितना कितना आ जाएगा, देखो ये तो कांस्टेंट रहा होगा ना, आर रेट है जैसे 2% 3% 4% ऐसे कुछ रहा होगा, तो आर अपॉन 100 हो गया है और ये आ गया और प्लस सम कांस्टेंट है, अब इसके आगे क्या है, आगे है रुपीज 1000 डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स। अब होता है कि जब t इक्वल टू 0 है ना तो तब इसकी तब प्रिंसिपल जो है वो 100 शुरू हो गया, 100 रुपये दिया ये हो गया एलएफ 100 हो गया, फिर आर अपॉन 100 हो गया इंटू 0 प्लस सी हो गया, तो सी की वैल्यू लॉग 100 आ गया, सी की वैल्यू लॉग 100 याद आ रहा, तो ln p equal to r by 100 और p हो गया प्लस ln 100। अब आगे ये है कि जो p है ना, अब जो p है तो वो डबल हो गया, यानी p कितना हो गया, पहले 100 था अब p को डबल कर दिया 200 हो गया, तो अब टाइम कितना लगेगा इसको ये निकालना, तो p को अगर मैं डबल ले लूं यानी ln कितना कर दूंगा, ln 100 का
और पी 200 हो गया, तो अब टाइम निकाल ये वाला एलएम ने कर दिया एलएम और इज इक्वल टू आर बाय 100 हो गया और ये वीडियो में तो ये कितना बन गया आपको दी हो गया है ये दिया 0.693 इसकी वैल्यू है 0.693 और और इसके एक्टिविटी के बाद कौन सा क्वेश्चन था बेटा? अच्छा ये 10 है भाई, 10 में तो है अगला क्वेश्चन कौन सा था? समझ में आ गया ये? अब देखो अगला क्वेश्चन देखो 21 ये बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटीन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो अब जो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है 21 में तो ये भी ऐसे ही है, तो इसको इंक्रीज को DFO DPOP कहेंगे ना, ये बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटीन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% यानी 5% का मतलब 5/100 और P 5% पर ईयर सर एंड अमाउंट अब किसी बैंक में ये प्रिंसिपल इंक्रीज होता है कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एक साल में 5% बढ़ रहा है किसका P का, एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। अब P जो है 1000 है, अगर P 1000 है तो हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 इयर्स, तो 10 साल के बाद इस ये कितना हो जाएगा, 10 इयर्स के बाद इसकी कितना हो जाएगा ये बताओ। क्या पूछा गया है तो यहाँ से देखो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें dp upon p हो जाएगा और ये 1/20 और dt इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको ये ln p ये 1/20 और p plus q। अब शुरू में हमने जब टाइम जीरो रहा होगा शुरू में उस समय पे हमने कितना रुपया इसमें डाला होगा 1000, तो P को 1000 लेंगे और T को 0 लेंगे। जब शुरू में ना इनिशियली पहले हमने इसमें 1000 डाला, तो इसमें पुट करो ln 1000 हो गया ये 0 हो गया, C की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू यहाँ रखो तो ये हो गया ln P 1/20 प्लस ln 1 ये कंडीशन है। जब हमारा शुरू में हमने पैसे डाले उसके अंदर अकाउंट में 1000 डाले तो उस समय t 0 रहा होगा, वो इसमें डाल के c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू यहां आ गई। अब हमें ये बताना है कि उस समय t अब क्या होगा, अब p क्या होगा जब 10 साल बाद यानी टाइम जो हो गया वो 10 इयर्स हो गया, तो t यहां पे 10 इयर्स हो गया। तो अगर P को 10 इयर्स मिलो
तब p कितना हो जाएगा ln p 1 upon 20 और p को कितना ले 10 साल। अब दूसरा केस हो गया तो अब उस जब p की वैल्यू 10 होगी तो p क्या होगा, तो ये ln 1000 हो गया। ये दो बार करेंगे 1 by 2, ये इधर ले आओ, ये जब इधर आएगा तो ln p minus ln 1000, तो इसको लिख सकते हैं ln p upon 1000 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 upon 2 मतलब 0.5। यहाँ से p upon 1000 क्या है, इसका जो बेस होगा e रहा होगा ना, p की वैल्यू 0.5 होगा। e की पावर 0.5 की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में 1.648, तो p की वैल्यू आ गई 1000, इधर मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई 1.648, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1648, कितना रुपया हो 10 साल बाद हो जाएगा 1648। तो कोई डाउट इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 22 है, वो भी ऐसे ही इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, मतलब इनिशियली शुरू में जब टाइम टी जीरो होगा ना, तो जब टाइम मतलब टी की वैल्यू जीरो है तब उसमें उसको पी नॉट मानो, तो उसमें बैक्टीरिया 1 lakh है, ये कह रहा है। इन्हें कल्चर का बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 hours, 10% बढ़ गया इन 2 hours, इन हाउ मेनी आवर्स द काउंट इज 2 lakh, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब at any time t population of bacteria is, उसको p ले लूं अगर मैं, क्या क्या है पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम पी, वो पी है इस समय, तो इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ मतलब v अपॉन dt ऑफ p, ये प्रोपोर्शनल है टू द नंबर प्रेजेंट एट एनी टाइम पी, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसका, तो रेट ऑफ ग्रोथ प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम पी के प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम कहेंगे कि dp अपॉन dt, अगर ये वाला साइन हटा दूं तो लिखूंगा कहीं पे कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा dp, अब इसको एक साइड कर दिया तो dp अपॉन dt इक्वल टू k और dt, और इसको इंटीग्रेट करो तो ये आ गया ln p हो गया, और ये कितना हो गया k t हो गया प्लस सम कांस्टेंट और अब इसमें क्या हुआ कि बैक्टीरिया काउंट जो शुरू में जो था इन्हें कल्चर का बैक्टीरिया काउंट शुरू में यानी जब t इक्वल टू 0 है तो उस समय p 0 ही है, मतलब ये कितना है, तो यहाँ पे लिखूं मैं ln 1 lakh 2 3 4 5, कब जब t 0 है, t 0 हो गया उसी आ गया c की वैल्यू, तो इसका बन गया हमारे पास ln p equal to at और plus ln p का, एक कंडीशन आई, होता यह है कि एक और दो कांस्टेंट आते हैं यहाँ पे, एक आ रहा है c आ रहा है, इन दोनों को पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो c को हमने फाइंड कर लिया, बचा हमारे पास k, एक और कंडीशन लगा करके k को भी फाइंड करना पड़ेगा तब आगे क्वेश्चन होगा, तो दूसरा कैसे फाइंड करोगे, दूसरी कंडीशन दे रखी है
the number is increased by 10% in 2 hours. 2 hours. मतलब जो p की वैल्यू है ना, तो ये इनिशियली कितनी थी, पहले 1 लाख थी ना, तो 1 लाख का कितना बढ़ गई, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% और बढ़ गया, ये 1 लाख का 4 5, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 10% बढ़ गया, तो 10% कितना हो गया 1 लाख का, बस ये हो गई 1,10,000. और ये कितनी देर में बाद, 2 घंटे में हो गया था. तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ln और p की वैल्यू 1,10,000. जब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k 2 घंटे में, k into p और प्लस ln 1,000. ठीक है, 2 आवर्स में जब p की वैल्यू 2 होगी तो p की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम इधर लाएंगे, माइनस में आ जाएगा, अपॉन में कर देंगे, तो ये हमारे पास ln 1.1 बचेगा और इज इक्वल टू 2k. तो ऐसे k की वैल्यू निकल जाएगी 1/2 ln 1.1. In how many hours will the count reach 2 lakh? अब इसके फर्दर पार्ट है. हाँ, ये जो k की वैल्यू आई है वो यहाँ पे रखेंगे. तो ln दिया गया 3/4 is equal to कहाँ पे रखेंगे इसको? यहाँ पे रखेंगे. ln p is equal to 1/2 ln 1.1/2 t plus ln 1/2. अब क्या करोगे? अब इसके आगे हमको ये बताना है कि अगर t 2 लाख हो जाए तो t क्या होगा, टाइम बताना. P की वैल्यू 2 लाख हो जाए, P की वैल्यू तो ln ये 2 लाख, ये 1/2 और प्लस ln 1. अब T की वैल्यू निकालेंगे, T भी था, ये इधर जाएगा, माइनस में हो गया, अपॉन में जाएगा, एल एन टू बचे इज इक्वल टू 1/2 एल एन 1.1 टी. दो इधर आ गया, 2 एल एन 2 सही है और अपॉन एल एन 1, ये टी की वैल्यू आ गई. इसको 4 भी लिख सकते हो, एल एन 4, ये आपका आंसर आ जाएगा. e की पावर x प्लस y है, इसको अलग अलग कर लो, e की पावर x e की पावर y, तो ये सिंपल हो गया, e की पावर माइनस y dy हो गया और e की पावर x है dx, तो इंटीग्रेट कर दो, क्या आंसर आ गया, माइनस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू e की पावर x, बस ये आंसर है. तो ये आपके इसके सारे क्वेश्चंस हो गए. अब मैं आपको बता रहा हूं कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं. कोई फंक्शन है, देखो पहले तो f x y, इसका मतलब है कोई फंक्शन x और y में है, जैसे 2x plus 3y के नाम, इसमें x के रिप्लेस कर दो, x को डेल्टा लैम्डा x से और y को लैम्डा y से, ये f लैम्डा एक्स और लैम्डा वन,
तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स और 3 लैम्डा वाई, लैम्डा कॉमन ले लो 2x plus 3y, तो ये लैम्डा और ये हो गया fx। किसी भी फंक्शन में अगर x को रिप्लेस कर दिया लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर दिया लैम्डा y से और वो इक्वल हो जाए लैम्डा fxy, यानी इसकी कोई पावर नहीं हो, 1 पावर भी हो सकती है, 2 3 4 ऐसे बन जाए, तो वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। और यहाँ पे लैम्डा की पावर 1 आ रहा है, तो ये जो होगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 होगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो बच्चों ये जो होगा ना, तो अगर लैम्डा एक्स वाई इसको अगर रिप्लेस कर दें तो तब ये लैम्डा एफ एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा ना, अगर उसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1। अगर मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ भी वाई स्क्वायर होता, तो ये 2 पावर ये भी 2 पावर, तो यहाँ पे हम लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखें। मान लो एग्जाम्पल ले लो, ये अगर ऐसे होता एफ एक्स वाई है और ये लिखा होता 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होगा, तो अब आप इसमें लैम्डा एक्स रख लें तो ये कितना बन जाता, 2 लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर बनता, 3 लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर बनता, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आता, 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर बनता, ये लैम्डा स्क्वायर और ये f x y बनता। तो अब ये देखो लैम्डा की पावर 2 आ गया, 3 भी आ सकता है ऐसे लैम्डा की पावर 3, ये वाली फॉर्म आ जाएगी लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई के किसी फंक्शन में, तो ये 2 आया, तो यहाँ पर ये होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री 2 का। अगर 3 बनेगा तो होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री 3 का, और n बनेगा तो होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री n का, अगर ये लैम्डा की पावर n बनेगा, ठीक है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन होता है इस तरह से। अब सपोज करो कि कोई भी अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो इस तरह की है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर एफ एक्स वाई आ रहा है, नीचे जी एक्स वाई आ रहा है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये किसी डिग्री का है, ये भी किसी डिग्री का है, ये दोनों होमोजीनियस होने चाहिए, दोनों होमोजीनियस फंक्शन होंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब जैसे आप इसको करेंगे, क्वेश्चन करते कैसे हैं इसका, क्या सॉल्व करेंगे किस तरह से, तो देखो जैसे डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, तो इसमें आपको अगर यहाँ ये फंक्शन लिया x की जगह लैम्डा x रख दो, y की जगह लैम्डा y, फिर यहाँ रख दो लैम्डा x, ये होमोजीनियस बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, ये लैम्डा x हो गया, ये लैम्डा y हो गया, ये लैम्डा x हो गया, इस फंक्शन को एफ एक्स वाई ले लूंगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा, लैम्डा की पावर 0, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स बन गया, ऐसे भी तो कर सकता हूँ, तो लैम्डा की पावर 0 बन गया, और ये एफ एक्स वाई था, तो ये एफ एक्स वाई आ गया, लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा एक तरीका ये भी आप देख के चेक कर सकते, यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जितनी भी टर्म आ रही होंगी सब सबका डिग्री बराबर बराबर होगा, देख के पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे x की पावर 1 आ रही है, इसका इस वाली टर्म का डिग्री 1 है, इस वाली टर्म का डिग्री 1 है, इसका भी 1 है, या जैसे यहाँ भी अगर लिखा होता प्लस 2y, तो 2y का डिग्री भी 1 होता, लेकिन अगर यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस y स्क्वायर, ये x हो जाएगा, इसका डिग्री 1, इसका 2, तब वो होमोजीनियस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिग्री सारे टर्म की अलग अलग होगी, ये आप इसको ओरली देख के बता सकते हो। एक तरीका ये भी होता है कि y upon x में भी बन जाता है, अलग अलग करोगे ना तो ये 1 और y upon x ऐसे बन जाता है,
सारा फंक्शन बाय अपॉन एक्स नहीं करना, तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो उसको। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। सॉल्व करने के लिए देखो इसमें वाई और एक्स अलग अलग नहीं होगा, अगर अलग अलग नहीं होगा हम क्या करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इसमें वाई को बी इंटू एक्स रखो, मतलब वाई अपॉन एक्स जैसे बनता है वाई अपॉन एक्स को हम बी रख दे, वाई अपॉन एक्स को हमने बी रख, डिफरेंशिएट करोगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स है, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ एक्स, ये जो वाई है वाई की जगह नीचे एक्स डालो, एक्स को कॉमन लेके कट जाएगा, एक्स कॉमन लेके कट जाता है सभी में मिटेंगे, वन प्लस बी बचेगा, ये वी प्लस एक्स बी से बी कट गया। अब क्या होता है इसके बाद ऐसा करने से ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है, क्यों, क्योंकि वाई अपॉन एक्स को हमने बी रख देगा, तो dv इक्वल टू dx अपॉन x बन जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो इतना आ गया v इक्वल टू log x, अब v की जगह कितना आएगा, v की जगह y अपॉन x रखो, ln x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। जितने भी होमोजेनियस क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी मेथड से होंगे। एक्स स्क्वायर डीवाई वाई एक्स प्लस वाई, तो इसमें देखो आप dy dx की वैल्यू निकालो, dx से इसके नीचे आ गया dy dx प्लस ये बन जाएगा xy plus y square अपॉन कितना बन गया इक्वल टू जीरो। अब अगर इसको मैं फंक्शन लूं तो देखो अगर यहां पे हम x को लैम्डा x और y को लैम्डा y डालेंगे बन जाएगा ये होमोजीनियस है, वैसे भी चेक कर लो डायरेक्ट, देखो x की पावर 2 y की पावर 2 इस वाली टर्म का 1 पावर ये 1 है टोटल हो गया 2 पावर, सारी टर्म का पावर 2 आ गया, या लैम्डा डाल के देख लो तो ये होमोजीनियस हो गया होमोजीनियस, या फिर दूसरा तरीका क्या हो जाएगा x स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो y अपॉन x बन जाएगा, ये भी y upon x, ये y upon x का होल स्क्वायर होता है, तीन तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो इसमें y की जगह vx रखोगे जो ये रखा सभी में, फिर ये dy dx की जगह ये रखो तो क्या बन जाएगा v plus x dv upon dx, x y की जगह vx v स्क्वायर x स्क्वायर जीरो। तो भाई इसमें x स्क्वायर लेके काट दो ना, v प्लस x dv अपॉन dx क्या करोगे इसमें, इसके बाद बस ये सॉल्व हो जाएगा ना, x स्क्वायर तो कट गया b प्लस b स्क्वायर बचा, ये b बचा b और b 2b, तो x dv अपॉन dx कितना हो गया माइनस 2b माइनस b स्क्वायर,
तो यहां से dv अपॉन ये हो गया dx अपॉन, इसको इंटीग्रेट कर। इंटीग्रेशन करके जो भी कुछ आएगा उसमें v की जगह y अपॉन x रख दो, ये आंसर आ जाएगा।